इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। अरे आराम से बैठकर खाना, काफी लेट हो रहा है, हम रास्ते में खा लेंगे। अरे बाय बाय। लेकिन सुन, तूने ऑफिस में छुट्टी की बात की है ना? की है, हमें सब याद है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। हाँ चलो, हाँ, हम जाते हैं। पहुँचते ना, मैसेज कर देना। बाय। अरे ध्यान से जाना। बेटा एक बात सुन। बस माँ, शादी की बात छोड़कर आप कुछ भी कहिए। माँ कोई जरूरी है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने कर ली शादी, फिर आपका क्या होगा? आइए। अब आप ही बताइए पापा, हम कैसे इन्हें अकेला छोड़कर जाए? अब आप ये बताइए, जो जिम्मेदारी आप हमें सौंप कर गए थे, क्या हम उसे पूरा ना करें? ठीक है माँ, हम कर लेते हैं शादी, अब तो खुश। माँ हम काफी लेट हो रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। अरे कितनी बार कहा तुमसे, जाते हुए ये नहीं कहते कि जा रहे हैं, ये कहा करो आते हैं। सॉरी माँ, आते हैं आते हैं। अरे अपना ध्यान रखना। सॉरी भाई। राकेश रुको, मैं तुम्हारे सॉरी को बिछाए क्यों है? सॉरी क्या बोल? अरे सॉरी क्या बोल? सॉरी क्या बोल? राकेश सॉरी क्या बोल? छोड़ो। गुड मॉर्निंग। ग्यारह बजे मिस्टर अशोक शर्मा, 11:30 बजे मिसेस दीक्षित और 2 बजे मिस्टर मेनन। गुड मॉर्निंग रानी, तुम मिस्टर अशोक शर्मा को अटेंड करो, शिल्पा तुम मिसेस दीक्षित को, और सुनो मेरे लिए कॉफी बोल दो। गुड मॉर्निंग मैम। क्या गुड मॉर्निंग, आज तो काफी जल्दी आ गए तुम, और प्रिया तुम भी। वो मैम मुझे ना ऑटो ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने ही राकेश को फोन किया था कि मुझे आकर पिक कर ले। सॉरी। अब मैम मेरी माँ की तबीयत भी तो ठीक नहीं। देखो राकेश, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम रोज यही बात बोलते हो, और यहाँ पर भी तो 100 काम होते हैं, तुम बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो। एक काम करो, तुम 1 महीने की लीव ले लो, तब तक हम यहाँ पे ना
किसी और को रख लेते हैं, और जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तुम वापस ज्वाइन कर लेना। नो मैम, मैम आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से हैंडल कर लूंगा, कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज सॉरी। चांद, अरे बिटिया अब फोन को छोड़ दो और खाना खा लो। ये रितेश मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेकर के गले में लटकाएंगे तब जाके हमारा विश्वास करोगी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं मोहिनी। लेकिन करते हम तुमसे प्यार नहीं करते। कितनी बार कह चुके हैं, अब क्या माथे पे टैटू बनाकर घूमे कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं? यार मोहिनी, हम इतने सालों से एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बचपन से तुम्हें जानते हैं। बचपन से हम बहुत सारे लड़कों को जानते हैं, तो क्या आप सबसे प्यार कर लेंगे? और प्यार कोई सेमिनार थोड़ी ना है कि हम हॉल बुक कर लेंगे और जो चाहे वो एंट्री कर सकता है। बोलो, देखो हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें जाने दो। मोहिनी हमारी बात सुनो ना, अगर दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो सीधा पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। क्या हुआ, छेड़ रहा है क्या आपको? अरे नहीं 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 भाई साहब, छोड़ दीजिए। दादा समझ में आया, वरना अभी पूरी तरीके से पिट जाते थे तुम, याद रख। हर चीज की कीमत होती है, इस थप्पड़ की भी है जो तुम जल्दी ही चुकाओगी। मैम वो यतिन शायद थे, मैंने उन्हें सर्विस देने को कहा पर उन्हें तो सिर्फ आपसे ही मसाज करवानी है। तुमने उन्हें ठीक से अटेंड तो किया ना? बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर है वो। हाँ मैम मैंने कहा, बट वो तो आप पे ही अटके हुए हैं। गुस्सा कर रहे थे? गुस्सा और आपसे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये राकेश का है, उसे बोलो कि राकेश अभी तक आज फिर से लेट। मैम वो कहीं फंसा। हेलो सर। हेलो, क्या बात है आज तुम लेट हो गए? सर वो एक्चुअली थोड़ा काम था इसलिए। ठीक है मैं अंदर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जा। जी अगर कोई कस्टमर आए तो अटेंड कर लेना, और ये इसमें से सब चेक कर लो। हाँ आइए आइए। नमस्ते। अरे यार रहने देना, तुझे तो पता है ना माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। मैडम कहाँ हैं? यतिन चाय हुए हैं। यतिन, ये शक्ल से काइया नहीं लगता। सही बोला तुमने, मैडम आ रही है। मैं चेंज करके आता हूँ। अरे अरे कोई देख लेगा, छोड़ो ना। कोई देख लेगा तो देख लेगा, और देखेगा तो उनकी आंखें फूट जाएगी। आज फूटे चाहे कल, वो सब ठीक है, मोहिनी मैडम देख लेगी। तुम जाओ भैया। ओके सॉरी 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 सॉरी।
क्या करूं मैं, मेरा दिमाग झन्नाया हुआ है। क्यों क्यों, ये जो तुम आजकल आजकल करती हो ना, उसकी वजह से झन्नाया हुआ है। बस कुछ दिन और, गांव में हमारी जमीन की बंटवारे का कोर्ट केस चल रहा है जो कि हमारे पापा की तरफ आने वाला है। पूरी 1 करोड़ की जमीन है और किसी ना किसी बहाने से तो 20-25 लाख तो निकलवा ही लेंगे पापा से, और फिर हम आजाद कैद करके रखेंगे कायदे से। ठीक है, वो पिछले 1 साल से तुम्हारे 1 करोड़ की जमीन वाला नाटक सुन रहा हूँ मैं। एक तरफ वो मोहिनी मैडम मुझे नौकरी से निकालना चाहती है, दूसरी तरफ रोज वो बैंक वाले वसूली करने घर पे आ जाते हैं। हम समझते हैं, आ रहे हैं। रुको ना, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। अरे देखो, हम कायदे की नहीं फायदे की बात करते हैं, शाम को मिलोगी? ठीक है ठीक है, अब छोड़ो। हाँ प्रिया, तुम्हारे और राकेश के बीच में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो बस हमें ऐसे लगा। लगा तो कस्टमर बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। पता है, क्या हुआ? गलती से फिसल गई हाथ से मैम। ऐसे कैसे गलती से गिर गया? नहीं नहीं मैम, मैंने भी देखा, वो गलती से गिर गया। देखो राकेश, तुम्हारे नाम पे ऑलरेडी बहुत सारी कंप्लेंट्स है। एक तो तुम लेट आते हो और आने के बाद अपना काम भी ढंग से नहीं करते हो। मैम मैम, नहीं नहीं, हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ना, तो तुम एक काम करो, तुम अपना पुत्र धर्म निभाओ, लेकिन प्लीज समझा करो, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। मैम आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा मैम। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। जी मैम। रानी अपना फोन दो, दो अपना फोन। सॉरी नहीं, दो। और कल से रोज सुबह तुम ये फोन वहां पे डिपॉजिट करोगी, समझी? ये कोई चैट पार्लर थोड़ी ना है कि जब देखो तब फोन में रहती हूँ। अगर दिन भर फोन में रहोगी तो फिर तुम काम कब करोगी? सॉरी मैम, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अगर कोई क्लाइंट आता है तो प्लीज अटेंड कर लेना, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ। ये मैडम अपने आप को समझती क्या है? मेरा फोन रख ली अपने पास, कहती देगी नहीं। अरे वो ऐसे ही कह रही है, एक दिन फोन रख देगी तो दोबारा दे देंगी ना। वो ऐसे इसलिए कह रही है ताकि गलती का एहसास हो। अच्छा सुनो, मैं स्टॉक रखने अंदर जा रही हूँ, तुम काउंटर पे जाओ। ओके। एक दिन मैं इस मोहिनी को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेगी ये। सर मसाज पार्लर जाएंगे? लेकिन पिछले हफ्ते ही तो आए थे ना हम यहाँ पर। अबे अब हम तुझसे पूछकर आए जाया करें क्या? ऐसी बात नहीं है सर, सॉरी, आइंदा से नहीं पूछेंगे आपको। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, वरना 1 घंटे तक जूते मारूंगा और गिनती उसके बाद में शुरू करूंगा। फोन रख दो, वरना तुम्हारा भी फोन मेरे फोन की तरह डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ, हमारी मोहिनी मैम आजकल बहुत ज्यादा स्वीट हो गई है ना। कुछ ज्यादा ही। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मोहिनी नहीं है? मैम बस आई रही होगी, आप बैठिए। नहीं एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट थी आज। आगे। हेलो मैम, सो सॉरी लेट हो गया, एक्चुअली बैंक में थोड़ा काम था इसलिए। इट्स ओके। चलिए ना, इनके लिए कॉफी बोल दो। आइए आइए। कैसे हो मैम आप? अच्छी हूँ। वैसे तुम्हें तो पता है हम किसी और से मसाज नहीं करवाते, बस तुमसे ही, क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो जादू है। थैंक यू मैम।
Oh my God! बहुत डर रहा है। क्या डाला तुमने? एक मिनट। मुझे क्लीन कर लीजिए। ये देखो मेरा पैर कितना लाल हो गया है। ऐसे ही डाला क्या? I'm sorry ma'am, लेकिन पहले से कभी नहीं हुआ। एक मिनट। नहीं, नहीं मुझे अभी कुछ मसाज नहीं करवाना है तुमसे। मैम, मैं दूसरा कुछ ऑयल यूज करती हूँ। आप एक मिनट रुकिए। मैम, मैम मेरी बात सुनिए। Oh my God! मैम, मैम रियली सॉरी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मैम, क्या हुआ मैम? मिसेस कपूर ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? पता नहीं, मैंने जो ऑयल यूज किया था उससे उनको काफी तकलीफ हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं उस ऑयल की एक्सपायरी तो नहीं क्रॉस हो गई थी? पता नहीं, पर काफी पुरानी क्लाइंट है हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। दुनिया में जो लोग अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ करते हैं, उनके खिलाफ आपस में गलत लोगों का एक साथ हो जाना कोई नई बात नहीं है। अपने काम में ईमानदारी से जुटे रहने वाले दूसरों से भी ऐसी उम्मीद करते हैं। वही दूसरे लोग जो काम को जिम्मेदारी नहीं समझते, अपनी ड्यूटी नहीं समझते, छोटी हो या बड़ी, हर ऐसी जगह पर जहां एक साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां सच्चे और ईमानदार लोग कामचोर और भ्रष्ट लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। और तब ऐसे भ्रष्ट लोग अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं और एक टीम बना लेते हैं। ये टीम बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन एक ईमानदार इंसान अक्सर ऐसे लोगों के बीच अकेला और कमजोर नजर आता है। मोहिनी के यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग उसके खिलाफ आपस में एक टीम बनाने लगे थे, जिससे मोहिनी बेखबर थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आज का क्या अपडेट है? प्रिया और रानी कस्टमर अटेंड कर रहे हैं और राकेश आज नहीं आ रहे। क्यों? उसने पहले तो बोला नहीं। हमें बोला था ना, यहाँ पे मैनेजर तुम हो कि मैं? हेलो सर, आप? मेरा मतलब इतने सुबह सुबह? तो मैं वापस जाऊँ? अरे नहीं नहीं, आइए ना, प्लीज कम। तुम्हारे अंदर पता नहीं ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी ओर बार बार खींच लाता है। हमारा हाथ छोड़िए। नहीं, तुम अपनी कीमत बोलो। आपको क्या हम ऐसी वैसी लड़की लगते हैं? ना हम ऐसे हैं और ना ही यहाँ का कोई स्टाफ। हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी जॉब करते हैं। जॉब नहीं करनी पड़ेगी, माला माल कर देंगे तुम्हें। अरे लानत है ऐसे पैसों पे। निकल जाइए यहाँ से, वरना धक्का मार के निकाल देंगे। निकले यहाँ से। देखो वार्निंग हर किसी की कीमत होती है और तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। आ गई बिटिया। अरे देख, तेरे लिए हम साड़ी लाए हैं। लड़के वाले आ रहे हैं ना, बस तेरी शादी। क्या माँ हर वक्त शादी 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 करती रहती है आप? Thank you.
आप? सॉरी, आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। आज हम बहुत परेशान थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया। थैंक यू, छोड़ ही दीजिए हमें, यही बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको कल की तरह अपनी बेइज्जती करवानी है तो बात अलग है। मोहिनी, हमने सोचा था कि तुम्हें दूसरा मौका दें, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ करेंगे ना, उसमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मॉर्निंग मैम, वो मिस्टर वर्मा का फोन आया था और कह रहे थे कि सिर्फ आपसे ही बात करेंगे, काफी गुस्से में थे। फोन लगा कर दूं? हाँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मोहिनी है। सर, आई एम रियली सॉरी। नो सर, दिस विल नॉट हैपन अगेन। यस सर। सर, वो मिसेस कपूर के साथ जो कुछ भी हुआ हम खुद देख रहे हैं। सर, वो सारे प्रोडक्ट्स की जांच भी कर रहे हैं और आज सप्लायर को भी बुलाया है। राइट सर। नहीं नहीं, हमने स्टाफ को भी वार्न कर दिया है। सर सर, सॉरी अगेन, थैंक यू सो मच। राकेश, रानी, शिल्पा, ये क्या हो रहा है? मिस्टर वर्मा का कॉल था, वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड है हमारी सर्विस से। और राकेश, तुम्हारे नाम से कितनी सारी कंप्लेंट्स है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? देखो, अब हम तुम सबको ना एक आखिरी बार वार्न कर रहे हैं, अगर किसी के भी नाम से कोई भी कंप्लेंट आया ना, तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। समझ में आ रहा है? नाउ प्लीज गो एंड डू योर वर्क, गो। बात बात पे सुनाती रहती है, किसी दिन हम सुना दे उल्टा तो? इतना मतलब तो सुनाती है नहीं, और यहाँ सबको पता है कि काम पे किसी का ध्यान नहीं है। और बाकी सब में तुम तो आती नहीं हो, तुम मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? अरे, क्या झगड़ा कर रहे हो तुम लोग इधर? बाहर कस्टमर आया हुआ है, मोहिनी मैम सुन लेगी ना तो और डांट पड़ेगी। रानी, तुम बाहर जाओ और क्लाइंट को अटेंड करो। अरे बाय। लेकिन सुन, तूने ऑफिस में छुट्टी की बात की है ना? की है, हमें सब याद है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। हाँ चलो, हाँ, हम जाते हैं। पहुँचते ना, मैसेज कर देना। बाय। अरे ध्यान से जाना। मोहिनी मैम आई क्यों नहीं अभी तक? हम तो कभी लेट नहीं होती है। मैंने फोन भी ट्राई किया, बट स्विच ऑफ बता रहा है। ऑफ बता रहा है, बिना बताए तो छुट्टी तक नहीं लेती मैम। अरे मुझे लगता है मैम किसी काम से बाहर गई होगी। ऐसा तो कभी नहीं होता। हेलो। हेलो, मैं मोहिनी की माँ बोल रही हूँ। मोहिनी है क्या? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नहीं मैम, तो आज नहीं आई है। मैंने भी फोन किया पर स्विच ऑफ बता रहा है। क्या? लेकिन वो तो ऑफिस के लिए सुबह घर से ही निकल गई थी। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? ठीक है, अगर वो ऑफिस आए तो उसे कहिएगा कि अपनी माँ को फोन कर ले। जी माँ जी। The number you are trying to call is currently... पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, फोन भी स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। The number you are trying to call is currently... अरे चाची जी,
अब मोहिनी के बारे में सुने? आई नहीं अभी तक वो? नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई वो। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। फोन वोन किए कि नहीं? अरे कब से कर रही हूँ फोन, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। मेरा तो घबराहट से दिल बैठा जा रहा है। बहन जी, हम तो कहते हैं कि पुलिस में कंप्लेंट कर दो। अरे नहीं नहीं, दोस्त के यहाँ गई होगी, एक दो दिन में आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। और किडनैपिंग वगैरह का मामला रहा तो फिर जान पे ही बात आ सकती है ना। किडनैपिंग? आंटी जी नमस्ते, मैं राकेश हूँ आंटी, मैं मोहिनी जी के पार्लर में काम करता हूँ। आज मैडम ऑफिस ही है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था इसीलिए हम आ गए। मेरी बिटिया ऑफिस भी नहीं पहुंची, पता नहीं किस हाल में हो गई वो। मेरे बिटिया। बहन जी बात मानिए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवा दीजिए। हाँ भाई साहब, पुलिस स्टेशन तो चढ़ना ही पड़ेगा। चलिए चलिए, मैं भी चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसे नहीं करती थी, पता नहीं उसे क्या हुआ है। देखिए रोने से कुछ नहीं होगा, अब क्लियरली बताइए क्या हुआ था। मोहिनी मसाज पार्लर में मैनेजर का काम करती थी, सुबह घर से ऑफिस के लिए निकली लेकिन वहां नहीं पहुंची, सुबह से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को। देखिए आप रोइए नहीं, धीरज रखिए, आप एक रिपोर्ट लिखा दीजिए और अपनी बेटी की एक फोटो हमें दे दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी बेटी हमें मिल जाए। प्लीज। यादव जी। यस सर। माताजी के घर के पास के सीसीटीवी फुटेज को 3-4 दिन पहले से निकलवा कर चेक करो और कहीं कुछ संदिग्ध हो तो तुरंत बताओ। यस सर। श्योर, राइट। ऐसे कैसे गायब हो गई, कहीं मैम को कुछ हुआ तो नहीं? मैम का बाहर किसी के साथ अफेयर तो नहीं था? इतने दिनों से उन्हें जानते हैं, इतनी सीरियस आदमी तो वो है, घर से पार्लर और पार्लर से घर, बस। अफेयर का तो मुझे पता नहीं लेकिन यतन नाम का आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, कहीं मैम को कुछ। तो यहाँ काम करती थी मोहिनी? यस सर। एक बात बताओ, मोहिनी लड़की कैसी थी? सर बहुत अच्छी लड़की थी मैम, मतलब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, हम लोग लापरवाही करते थे तो हमें डांट पड़ती थी, वरना अच्छी थी वो। किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी या फिर कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, उनका किसी से क्या झगड़ा, अपने काम से काम रखती थी और अफेयर का भी हमने कभी सुना नहीं है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद आए तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। सर, सर कुछ दिन पहले यतिन शाह नाम का एक कस्टमर आया था, सर उसने मैम के साथ बहुत ही बदतमीजी की थी तो मैम ने उसे डांट दिया था, तो इस पर सर उसने मैम को धमकी दी थी। हाँ सर, ये यतिन शाह सही आदमी नहीं लगता हमें। हाँ बोलो। अच्छा तो रोज वो मोहिनी को फॉलो करता था और जिस दिन मोहिनी गायब हुई उस दिन वो फॉलो नहीं कर रहा था और कंप्लेंट लिखाने भी आया था। ओके, बुलाओ उसे और नहीं आए तो उठा लाओ। एंड वन मोर थिंग, इनका एक कस्टमर है यतीन शाह नाम का, उन्हें भी उठा लाओ, मैं पहुंचता हूँ। मोहिनी गायब हो गई थी, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी और पुलिस ने अपनी छानबीन भी शुरू कर दी थी। शक की सुई हर तरफ घूम रही थी, एक तरफ शक यतिन शाह के ऊपर था तो दूसरी तरफ रोज मोहिनी का पीछा करने वाले रितेश की तरफ भी शक था। लेकिन पुलिस को मोहिनी के कोवर्कर्स के ऊपर भी शक था, गुत्थी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। तो दूसरी तरफ जानकी परेशान थी कि उसकी बेटी पता नहीं कहां होगी और किस हाल में होगी। पुलिस यतिन और रितेश पर भी शिकंजा कस रही थी लेकिन फिर भी मोहिनी का कोई अता पता नहीं था। रितेश और यतिन शक के घेरे में जरूर थे लेकिन
कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तो क्या कोई और भी था जो पुलिस की पहुंच और तहकीकात से दूर था? सर, आप में से किसी के साथ मोहिनी का झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर। नहीं तो ये रजिस्टर लाइए प्लीज। रजिस्टर। थैंक्स। कुछ बात हो तो बताना। इंस्पेक्टर साहब तो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे हमने किडनैप किया। ठीक है अभी जाओ अपने काम करो। इंस्पेक्टर साहब आप मोहिनी का कुछ पता चला? अभी तो नहीं माता जी, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाए। आप अंदर आइए। वैसे आपको किसी पर शक है? किस पर शक करूं? किसी के साथ झगड़ा ही नहीं है। रितेश कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, यही सोसाइटी में रहता है। क्यों, उसने कुछ किया क्या? मोहिनी का किसी के साथ कुछ अफेयर था? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कभी कहा। हाँ बोलिए। सर हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। पहले फुटेज में मोहिनी जिस बस स्टॉप से रोज जाती थी वहां एक कार आके रुकती है, वो उसमें बैठती भी है। लेकिन अगले फुटेज में वो कार की सीट पे दिख रही है, पर उसके बाद के फुटेज में वो कार में है ही नहीं। इसका मतलब है या तो उसे रास्ते में उतार दिया गया या फिर उसको मार दिया गया है। ओके, एक काम करो, तुरंत गाड़ी का नंबर निकाल कर मालिक का पता लगा और उसे सूते हुए लेके आओ। जी। आने तक आते आते राजा हरिश्चंद्र बन जाएगा। यस सर। ओके माता जी, मैं चलता हूँ। आपको थाना चलना होगा। लेकिन क्यों? मिस मोहिनी कहाँ है बताइए? वो ब्यूटी पार्लर वाली? जी हाँ। उसे क्या हुआ? वो तो आप बताएंगे ना उसे क्या हुआ। चलिए। लेकिन मुझे आप क्या लेकर जा रहे हैं? अरे वो आप सब मालूम पड़ेगा। चलिए। रोज क्यों क्या रोज पीछा करते हैं? प्यार करते हैं मुझसे और उसकी गायब होने में हमारे को लेना देना नहीं है। प्यार दस घंटा आप में सब ठीक। चल सब सच बता रहा हूँ। चल चल चल। सर ये गाड़ी इन्हें की है और दोनों ने मिलकर मोहिनी का खून किया है और डिक्की में खून की छिटे मिले हैं जिसे हमने फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया है। सर हमारा शक सही था और इसलिए हम कल मसाज पार्लर गए थे। हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सुतो बना बन। तुम्हारी गाड़ी में मोहिनी पहले बैठी थी पर बाद में कहाँ चली गई? हाँ साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने उसको लिफ्ट दी उसके बाद छोड़ दिया था। सर झूठ बोल रहा है। प्रिया ने एक दिन पूरे 55 कॉल किया इसे। मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। मारो इन दोनों को। और अब मैं बताता हूं, हमने उस दिन का रजिस्टर चेक किया है। तुमसे पहले आने वाले 12 बजे का टाइम लिखा था और तुमने 10 बजे का टाइम। यानी तुम 12 बजे के बाद आए, राइट? इतना लेट उस टाइम कहां गए थे बताओ? अच्छा नहीं बताओगे? यादव जी, जी इनको पीट पीट के राष्ट्रीय राजमार्ग बना दो, तब ये दोनों कायदे से चलेगा। अभी बनाते हैं सर। मारो अभी, अभी बनाते हैं। मारो अभी, और मारो अभी। सब बताओ, सब 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 बताओ। बोल बोल। हाँ बोल। बताओ सब। मैं और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं।
शादी करने वाले थे सर हम, और वो मोहिनी मैडम रोज डांटती रहती थी लेट आने के लिए, और कभी छुट्टी ले ली तो उसके लिए सबके सामने बेइज्जत करती थी सर। साहब अब तो 8 दिन का मेमो दे दिया था नौकरी से निकालने का। सर लोन वाले रोज घर पे आते, शादी भी नहीं हो पाएगी। तो सब इसलिए मैंने और प्रिया ने प्लान बनाया। और सर उस दिन हमने गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये प्रिया और राकेश कहाँ है? मैम वो तो अभी तक आए नहीं है। ये राकेश की माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन अब प्रिया भी। मैम एक बात कहें? बोलो। मैम प्लीज हमारा नाम नहीं बताइएगा, लेकिन राकेश की माँ को गुजरे हुए तो 2 साल हो चुके हैं। क्या? जी मैम। तो वो हमें धोखा दे रहा है? जी। एक मिनट। तुम अंदर जाओ। जाओ। राकेश तुम रुको। ये तुम्हारा रोज रोज लेट आना, कस्टमर को ठीक से अटेंड नहीं करना, दिन भर फोन पर उलझे रहना, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी माँ बीमार है ये हमसे कहकर हमसे सिंपैथी गेन करना, जबकि तुम्हारी माँ 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। Am I right? I'm sorry, ma'am. No sorry. शाम तक तुम्हारा मेमो लेकर जाना और 8 दिन में तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए। इसके बाद ना तुम इस पार्लर में नजर नहीं आओगे, समझे तुम? मैम, I'm sorry, मैम, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैम, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैम, प्लीज जॉब से मत निकालिए। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। शिल्पा अगर कोई कस्टमर आता है तो अटेंड कर लो। मैम, I'm sorry, मैम। हम मार देंगे इसको, बता रहे हैं। पूछो, अभी ये सब बातें नहीं। अरे मोहिनी, इसका नाटक तो आजकल बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मिसेस कपूर की मसाज मॉल में केमिकल मैंने मिलाया था। हमने सोचा था कि कुछ हंगामा होगा, पर नहीं, मिसेस कपूर भी बस चिल्लाकर ही रह गई। ये मोहिनी उनके घर जाकर उनको पटा कर ले आई। अभी लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ सोचते हैं, अभी काम पर लग जाओ। जाओ। हेलो। हेलो, आप बैंक से बोल रहे थे? हम दे देंगे अगले महीने सारी हमारे। अरे तो भाई समझो ना। अरे आप भी समझो ना, हमारी भी तो नौकरी की बात है, पैसे देने पड़ेंगे आपको। अच्छा तो नहीं देंगे हमारे, कर लो जो करना है। आप घर नीलाम करवा देंगे। अरे धमके क्या दे रहा है, जो करना है कर लो ना, दोबारा फोन मत करना ऐसे। कितनी बार तुम्हें कहा है कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। तो क्या करूं मैं, भीख मांगने की नौबत आ गई है उस मोहिनी की वजह से। देखो तुम टेंशन मत लो, हमने कुछ सोचा है। प्रिया मैम आइए ना। नहीं नहीं जाओ। अरे हम छोड़ देंगे, आप बैठिए प्लीज आइए। Ugh!
तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। आगे टोल नाका है, मैं गाड़ी साइड पे लगाती हूँ, नौकरी देख लेगा। जल्दी करो। जिंदा है ये? तुम वहां टालो, जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। जल्दी करो कोई देख लेगा, हमें बहुत डर लग रहा है। वैसे भी डरना कहाँ का, खाई के बगल में खड़ी है गाड़ी, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे। पार्लर चलते हैं, नॉर्मल बिहेव करेंगे, शाम को आएंगे गाड़ी में से लाश को निकालेंगे, ठिकाने लगा देंगे, ठीक है? चलो सर। और इस तरह तुम दोनों ने उस बेचारी मोहिनी को मार डाला। यादव जी, इन दोनों का बयान लिख लीजिए और लॉकअप में डालकर तुरंत केस दर्ज करिए। यस सर। और अभी अभी एक टीम खाई के पास भेजिए मोहिनी की लाश बरामद करने के लिए। जी सर। लेकर जाइए इन दोनों को। चल। अच्छा, हमसे छुटकारा पाने की खुशी में तीर्थ यात्रा? आप हमारी बकबक से बहुत परेशान हो गई है ना, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम नहीं रहेंगे ना तब आपको हमारी याद आएगी, तब माँ आपको पता चलेगा। पुलिस की मार के आगे गुनहगार टूट गए और आखिर सच सामने आ ही गया था। राकेश और प्रिया की बताई गई जगह पर खाई से मोहिनी की लाश भी बरामद हो गई थी और पोस्टमार्टम और सभी तरह की कार्रवाइयों के बाद मोहिनी की लाश उसकी मां जानकी के हवाले कर दी गई थी। गुनेगार पकड़े गए थे और अब उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। गुनेगारों के शातिर होने के साथ साथ हमें भी अपने लापरवाह होने के बारे में इनकार नहीं करना चाहिए। आपके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे और आपकी खुशियों से, आपकी कामयाबियों से और आपके काम करने के सटीक तरीकों से जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं और यही ईर्ष्या और जलन बढ़कर कब गुनाह में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोहिनी ने राकेश और प्रिया पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, उसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत थी। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ हमें ज्यादा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।